बिन और कछु नहीं भावे, इन चरणन को चे वल्लभ चरण लग्यो चित मेरो, चरण लग्यो चित मेरो, श्री वल्लभ 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 चित मेरो, श्री वल्लभ चरण लग्यो चित मेरो, श्री वल्लभ चरण लग्यो चित मेरो, इन छांड और जो ध्यावे, इन छांड और जो ध्यावे, वो मूरख घनेरो, वो मूरख घने चित मेरो, श्री वल्लभ चरण लग्यो 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 चित मेरो, श्री वल्लभ चरण श्री वल्लभ चरण लग्यो चित में, श्री वल्लभ चरण लग्यो चित वल्लभाधीश की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की जय। श्री भागवत भगवान की जय। विराजमान परमादरणीय श्रद्धे पितृचरण के युगल चरणारविंद में सदैन्य दंडवत प्रणाम एवं
समुपस्थित मंचस्थ विराजमान परमादरणीय ज्येष्ठ भातृचरण आचार्य परिवारगण, मनोरथी परिवार, आदरणीय सर्वभूदेवगण एवं आप सब आत्मीय प्रिय वैष्णव वृंद, गत दिवस हमने श्री भागवत के महात्म्य में प्रवेश किया। महात्म्य अंतर्गत जो भागवत के मुख्य नायक परम ब्रह्म श्री कृष्ण, उनके रूप गुण और लीला का परिचय प्राप्त किया। दूसरे श्लोक में भागवत के मुख्य वक्ता सुखदेव जी को वंदन करने में आया। यम प्रजन्दमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। प्रव्रजंतम, एक जगह स्थिर नहीं रहते क्योंकि संग का भय है। अनुपेतम अपेत कृत्यम, किसी भी प्रकार की वैदिक क्रिया वैदिक संस्कारों से युक्त नहीं है। वैसे भी संस्कार उसे दिए जाते हैं जिसके अंदर कोई विकार हो, और सुखदेव जी के अंदर तो सकल विकार रहित गत भेदा कही नेति नेति निरुपहि वेदा। विकार रहित हैं इसलिए किसी भी प्रकार के संस्कार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो ऐसे निर्विकारी परम बैरागी सुखदेव जी को देख व्यास जी व्रहातुर बने, उनके पीछे पीछे गए, पुकारने लगे। सुखदेव जी ने तो कुछ न कहा, लेकिन सुखदेव जी की ओर से मानो जो वहां की लता पताएं हैं उन्होंने उनको प्रत्युत्तर दिया। देखिए यहां पे सुखदेव जी के लिए संबोधन हुआ सर्वभूत हृदयम,
जिसका मतलब है सर्वभूतानाम प्राणिनाम हृत हृदयम अयाते प्रेरयति इति सर्वभूत हृदयम तम सर्वभूत हृदयम। मतलब जो सर्व प्राणियों के अंदर प्रवेश कर प्रेरणा करे, सर्व प्राणियों के अंदर प्रवेश कर प्रेरणा करे उसे सर्वभूत कहा जाता है। समदृष्टि है उनकी, सब जगह भगवान के दर्शन करने वाले हैं। सर्व पदार्थों को ब्रह्म रूप में देखने वाले सुखदेव जी, तो वह सुखदेव जी का प्रत्युत्तर मानो लताएं दे रही हैं हिल हिल कर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। हमको यूं विचार आवे जो लौकिक बुद्धि से विचार हैं, वृक्ष के अंदर प्रवेश करके कैसे प्रत्युत्तर दे पा रहे हैं या क्या संभव है। मुझे याद है कुछ समय पहले के एक मूवी आई थी, पिक्चर, आपको शायद ध्यान हो, उसका नाम था अवतार। और उसमें कुछ यही विषय बताए गए थे। तो ये जो विषय, ये तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा हुआ है और धीरे धीरे चलकर आधुनिक विज्ञान भी उसको स्वीकार करता है। धर्म और विज्ञान में यही फर्क है। धर्म जो है मानकर चलता है और विज्ञान चलकर मानता है। मतलब विज्ञान से हमारा धर्म आध्यात्म हजारों मील बहुत आगे है, बहुत वर्षों आगे है। तो सर्व प्राणियों के भीतर प्रवेश कर जो प्रेरणा करे उसे सर्वभूत हृदयम, ऐसे परम मुनि सुखदेव जी महाराज। मुनि का मतलब होता है जो मनन करे, वितराग भय क्रोध स्थिति धर्म मुनि रुच्यते, जिसके भीतर से राग भय क्रोध चले गए हों उसे मुनि कहा जाता है। और सुखदेव जी के अंदर न तो राग है न भय है, ये दो चीजें ऐसी हैं, राग और भय, जो सम्यक दृष्टि नहीं देती हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा, किसी व्यक्ति में हमें राग है, लगाव है, तो राग के चलते उसके दोष गुण रूप दिखाई देते हैं। और किसी के प्रति हमें द्वेष भाव है तो वो द्वेष के चलते उसके गुण दोष रूप दिखाई देते हैं। राग और द्वेष, राग के चलते दोष गुण रूप दिखाई देते हैं और द्वेष के चलते गुण दोष रूप दिखाई देते हैं। तो राग और द्वेष सम्यक दर्शन नहीं कराता। तो जिसके भीतर से राग भय द्वेष क्रोध चले गए हों उसे मुनि कहा जाता है। ऐसे ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सब वंदन करते हैं।
तीसरे श्लोक में जहाँ पे भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है उस स्थान का वर्णन करने में आया। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवी अज्ञान ध्वान्त विद्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्यादि कथा सारम मम कर्णरसायणम्। नैमिषे सूतमासीनम्। नैमिष पलक बंद हो, आंखें की पलकें बंद हो, उससे भी कम समय को नैमिष कहा जाता है। तो ऐसे नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषिगण, ये शौनक ऋषि कुलपति हैं और हजारों ऋषि कुमार इनके सानिध्य में रह के अध्ययन कर रहे हैं। 88,000 और उनके गुरु ये शौनक। कौन से स्थान पर? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र नरण्यम इति अरण्यम, जहां पे रण नहीं है, जहां पे क्रोध नहीं है, जहां पे ईर्ष्या नहीं है, ऐसे स्थान का नाम। मतलब यह है कि आंखें की पलकें बंद हों, उससे भी कम समय में जिस स्थान पर आकर मन हमारा शांत प्रसन्न हो जाए, उस क्षेत्र और भूमि का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। जहां पे आकर मन शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, तो ऐसे सुंदर स्थान में ये शौनक आदि ऋषि बैठे हुए विराजमान हैं। और वहां पे सूत जी का आगमन हुआ। देखिए, ये सूत व्यक्ति विशेष नाम नहीं है, जातिवाचक नाम है। भागवत अंतर्गत सूत जाति के दो नामों का उल्लेख किया गया, रोमहर्षण उग्रश्रवा, ये दो नाम मिलते हैं, सूत जाति के हैं। मतलब जिनकी माता ब्राह्मण है और पिता क्षत्रिय हैं, तो उससे उनकी जो प्रजा हुई उसे सूत जाति कहा जाता है। चार वर्ण बताए गए और शास्त्र अनुसार भाई सब अपने अपने जाति अनुसार विवाह करे, ऐसा नियम बताया गया। लेकिन जाति के बाहर विवाह होते और उससे फिर जो प्रजा प्रकट होती, तो उस जाति को, उस प्रजा को अलग अलग नाम दिए जाते। उनमें से एक जाति है सूत। तो सूत जी पधारे और सूत जी को पधार कर देख कर शौनक आदि ऋषि खड़े होकर उनका सम्मान किया। जो जाति से देखा जाए तो शौनक बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञान भक्ति में सूत उनसे आगे हैं।
ये एक श्लोक में शौनक जी और सूत जी दोनों का परिचय प्राप्त होता है। सूत जी के लिए यहाँ पे संबोधन किया गया, नाम बताया गया महामतिम। महामति का मतलब है, देखिए सर्व में भगवान महान हैं, उनमें जिनकी मति है उस मति को महामति कहा जाता है। और जिसकी मति, जिसकी बुद्धि भगवान में न लगी हो, लौकिक संसार में भले ही वो बुद्धिशाली दिखाई दें, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को मूढ़ मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि जो सर्वोत्तम है इस जगत के, जो सर्वोत्तम उस भगवान में जो मति नहीं है, वो लौकिक संसार में बुद्धिशाली दिखाई दे तो उस बुद्धि का क्या मतलब। तो भगवान में जिनकी मति हो वो महामति। और जिसकी बुद्धि मति भगवान में नहीं लगी वह मंद बुद्धि कहा जाएगा, या बुद्धि है ही नहीं ऐसा भी कह सकते हैं, उस बुद्धि का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे वो